today we discuss very very important topic that is all theories jitni bhi hamari commerce and management ki all theories hain related to management related to finance wo aaj hum yahan par discuss karenge so this is very very important video for all members who prepare UGC in commerce and management subjects so we only complete 15 most important theories in which cover management theories commerce theories finance theories so this is very very important video so let's start now first theory is okay so first theory is related to the principle of scientific management so who the father of principle of scientific management that is F.W. Taylor so Taylor work the principle of scientific management that is source of all of the following quotes was published in 1911 his ideas were an accumulation of his life's work and included several examples from his places of employment so this is very very important aapko yaad rakhna hai ki jo scientific management ki theory hai wo F.W. Taylor ne di hai okay next theory related to two factor theory and significance so two factor theory maybe aapko pata hai two factor kaun kaun se hain wo wale hamare ek to hai hamara satisfaction theek hai Herzberg ne ye sirf Herzberg hai jinhone is cheez ko thoda sa define kiya hai okay so Herzberg was the first to show that satisfaction and dissatisfaction at work nearly always arose from different factors and were not simply opposing reactions to the same factor as had always previously been believed so basically इन्होंने हमें टू फैक्टर थ्योरी दी थी वो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी टू फैक्टर थ्योरीज थी एक तो इन्होंने बोला था कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन होती है और जो हमारे मोटिवेशन होती है ओके तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में एज अ मोटिवेशन जब हम उस चीज की बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं आपको वो याद रखना है तो पहले तो बात है टू फैक्टर थ्योरी दी किसने है फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग ने अब इन्होंने टू फैक्टर में फर्स्ट इज मोटिवेटर और सेकंड इज हाइजीन फैक्टर्स इन्होंने दो चीजों पे बात की थी तो मतलब कि जो मोटिवेटर्स होते हैं जैसे कि अचीवमेंट एडवांसमेंट ग्रोथ तो ये तो हमारी है मोटिवेटर्स बट जो हमारी हाइजीन फैक्टर्स है जैसे कि वर्किंग कंडीशन कैसी है ठीक है रेम्यूनरेशन कैसी है कंपनी पॉलिसीज कैसी है सिक्योरिटी कैसी है सैलरी कितनी है ये सारा हमारा आता है हाइजीन फैक्टर्स में सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको अच्छे से याद रखना है मैं यहाँ पे आपको पूरे थ्योरिस्ट के नेम भी बता रही हूँ फर्स्ट थ्योरी थी F.W. Taylor दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर एंड सेकेंड थ्योरी रिलेटेड टू टू फैक्टर थ्योरी रिलेटेड टू फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग ने डेवलप की थी टू फैक्टर थ्योरी अभी तक आपको दो याद होनी चाहिए एक तो फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी फर्स्ट इज मोटिवेटर फैक्टर्स एंड सेकेंड इज हाइजीन फैक्टर्स जो गिवन बाय फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग एंड सेकेंड थ्योरी इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप बाय F.W. Taylor ओके नेक्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सो हेनरी फ्योल डेवलप जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट फंक्शंस ऑलरेडी नो कि हम फाइव टाइप्स ऑफ प्लानिंग फंक्शंस मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ते हैं फर्स्ट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग तो यहाँ पे जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली किसने डेवलप किए हैं हेनरी फ्योल ने सो हेनरी फ्योल ने आल्सो गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यू ऑलरेडी नो कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हेनरी फ्योल ने दिए हैं और जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी हेनरी फ्योल ने ही डेवलप किए हैं सो हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग एग्जीक्यूटिव थे माइनिंग इंजीनियर थे डायरेक्टर एंड ऑथर ऑफ माइंस हु इंट्रोड्यूस द जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड द फ्योलिज्म सो फ्योल वर्क वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट थ्योरी पॉइंट नंबर 4 डेविड एमसी क्लैंड सो डेविड एमसी क्लैंड ने डेवलप की थी नीड थ्योरी डेवलप बाय डेविड एमसी क्लैंड सो एमसी क्लैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी स्टेट दैट एवरी पर्सन हैज वन ऑफ थ्री मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स फर्स्ट थ्योरी फर्स्ट नीड रिलेटेड टू अचीवमेंट सेकेंड नीड रिलेटेड टू एफिलिएशन एंड थर्ड नीड रिलेटेड टू पावर सो दीज थ्री टाइप ऑफ नीड्स डेवलप बाय डेविड एमसी क्लैंड इन नीड थ्योरी क्लियर दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट वी डेवलप देम थ्रू अवर कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस
सो आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल है, इसमें आपको बताया गया है कि नॉलेज एंड स्किल, ओपिनियन एंड वैल्यूज एंड क्वालिटीज एंड ड्राइविंग फैक्टर्स. फर्स्ट इज अचीवमेंट रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, एफिलिएशन रिलेटेड टू ओपिनियंस एंड वैल्यूज, एंड पावर रिलेटेड टू क्वालिटीज एंड ड्राइविंग फैक्टर्स. अगर ये विजिबल हैं, तो आपके पास डेडिकेशन भी है, परफॉर्मेंस भी है एंड प्रेजेंटेशन भी है. बट अगर ये इनविजिबल है, तो आप देखिए, आप कंफ्यूज रहोगे कि हम क्या करें, व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू वांट. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड नीड थ्योरी. तो अभी तक मैंने आपको चार थ्योरी बताई हैं, आपको याद होनी चाहिए. देन फिफ्थ इज एरिक बर्न. एरिक बर्न डेवलप ट्रांजेक्शनल एनालिसिस थ्योरी. ट्रांजेक्शनल एनालिसिस थ्योरी बेसिकली रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज अ साइक्लो एनालिटिक थ्योरी एंड मेथड ऑफ थेरेपी ऑल्सो, जो हम यूज करते हैं फॉर सोशल ट्रांजेक्शंस आर एनालाइज टू डिटरमाइन द ईगो स्टेट ऑफ द कम्युनिकेटर, whether parent like, child like or adult like, as a basis for understanding behavior. Okay, next, Peter F. Drucker developed a father of, basically also known as father of modern management. So pehle humne ek baat ki thi theories of management, wo kisne di thi, Henry Fayol ne. Aur agar aapko bole ki modern management ke father kaun hai, to aapko confuse nahi hona hai. This is modern management aur Henry Fayol ne sirf management theory di thi. तो ये आपको याद रखना है. सो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज पीटर एफ ड्रकर. पीटर ड्रकर हेल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी दैट इज स्टिल यूज्ड टुडे. ड्रकर बिलीव दैट मैनेजर्स शुड अबव ऑल एल्स बी लीडर्स. ही प्लेस हाई इंपॉर्टेंस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, नॉलेज वर्क, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO एंड अ प्रोसेस कॉल्ड स्मार्ट ऑल्सो. ठीक है, next theory related to managerial discretion, also known as profit maximization. जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं कि क्या क्या हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो. सिर्फ ऐसा ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं, ज्वाइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब कि आपके अंदर एक कम्युनिकेटर की कैपेबिलिटी हो, मैनेजर डिस्क्रिशन होना चाहिए. सो मॉडल ऑफ मैनेजर डिस्क्रिशन डेवलप बाय ओलिवर विलियमसन, यू ऑलरेडी नो, वेरी वेरी सिंपल. सो अब आपको सेवन थ्योरीज मैंने दी हैं, ये सारी आपकी किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से. सो मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन. दिस थ्योरी लाइक अदर मैनेजर थ्योरीज ऑफ द फर्म अज्यूम दैट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन इज अ मैनेजर सोल्स ऑब्जेक्टिव. तो बेसिक अजम्पशन क्या था इस मॉडल का, फर्स्ट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज अ मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट फॉर द फर्म टू बी एबल टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. सो दिस ऑल थ्री अजम्पशंस रिलेटेड टू मैनेजरियल डिस्क्रिशन इन मैनेजमेंट थ्योरी. नेक्स्ट इज विलियम जे मॉर्मल. William J. Maumel developed theory of sale maximization. This is very very simple. आपको याद रखना है कि theory of sale maximization developed by William J. Maumel. Maumel ने एक book भी लिखी है, known as Business Behavior, Value and Growth, has propounded a theory of sale maximization. Main aim क्या है किसी भी firm का होना चाहिए, sale maximization. So once अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब आप एक बार प्रॉफिट पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आपकी सेल मैक्सिमाइजेशन हो. चाहे उसके लिए आपका प्राइस लो करना पड़े, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेल मैक्सिमाइजेशन इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव आफ्टर प्रॉफिट. क्लियर? सो दिस इज नोन बाय, कॉल्ड बाय विलियम जे पॉमल. नेक्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप बाय डेविड डुरांट. डेविड डुरांट ने बेसिकली दो मॉडल्स इन्होंने दिए हैं रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर. फर्स्ट मॉडल इज NI अप्रोच, ठीक है, नेट इनकम अप्रोच, एंड सेकेंड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. इन्होंने दो अप्रोचेस दी थी. ये फर्स्ट अप्रोच का मतलब है, जो आर्ग्यू करता है कि जो डेट होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म को, और जो NOI है वो कहता है कि जो डेट होते हैं
वो नहीं करते इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्म। मतलब इन्होंने दो अप्रोचेस दी थी, एक तो एनआई अप्रोच नेट इनकम और सेकेंड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम। इन दोनों का ही अलग अलग ऑब्जेक्टिव है और दोनों से ही डेविड डुरांट सेटिस्फाई थे। तो डेविड डुरांट ने फर्स्ट सजेस्ट किया था अप्रोच इन 1952 में, जिसका मेन इनमें दिया था फाइनेंशियल से रिलेटेड है। दिस इज नॉट अ मैनेजमेंट थ्योरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल थ्योरी नॉट मैनेजमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी डेवलप बाय डेविड डुरांट। ही पोस्टुलेटेड दैट अ चेंज इन फाइनेंशियल लीवरेज रिजल्ट इन अ चेंज इन कैपिटल कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द डेट रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज, विच रिजल्ट इन हायर फर्म वैल्यू। नेक्स्ट, टेंथ थ्योरी अगेन रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट इज गॉर्डन फॉर्मूला। गॉर्डन फॉर्मूला जिस जॉब के आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट रहता है आपका रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर। तो यहाँ पे ये एमजे गॉर्डन ने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, दैट इज पी इज इक्वल टू ई वन माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर, इन विच बी जी इज ग्रोथ रेट एंड बी आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर। सो इसमें कुछ अजम्पशंस थे, लाइक फर्स्ट इज जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, मतलब जो आपकी सेफ अर्निंग है उसी को ही आप इन्वेस्टमेंट में यूज कीजिए, ना कि किसी से लोन लीजिए, किसी से आप यहाँ पे कुछ भी आपने कुछ मतलब इशू नहीं करवाना। जो आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आपका खुद का पैसा है उसको ही आपको इन्वेस्ट करना है, पहला तो इन्होंने ये अजम्पशन दी। सेकेंड, जो फर्म है वो सारे इक्विटी फर्म होने चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इस जो है वो नहीं होनी चाहिए। कंपनी का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये इन्होंने फर्स्ट अजम्पशन दी थी कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न, और यही आपकी बेसिक अजम्पशन होती है इसकी, कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। उसके बाद द कंपनी हैज वेरी लॉन्ग एंड परपेचुअल लाइफ, मतलब बड़ी लॉन्ग इनकी लाइफ होनी चाहिए, एक दो साल के लिए नहीं होनी चाहिए कंपनी। कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, ये इनके कुछ अजम्पशंस थे रिलेटेड टू दिस थ्योरी। सो एमजे गॉर्डन ने एक डिविडेंड होल्ड रिलेटेड थ्योरी बनाई थी, जो कि एक रेलिवेंट बेसिस पे थी कि जो रिटेन्ड अर्निंग है उसी को ही आपने इन्वेस्टमेंट में यूज करना है। बड़ी सेफ एक तरह से अप्रोच है ये, इसमें आपको कहीं का कोई रिस्क नहीं था। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड्स। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है जमेश ई वॉल्टर थ्योरी, ये भी आपकी रेलिवेंट थ्योरी है। जैसे कि एमजे गॉर्डन ने भी एक रेलिवेंट थ्योरी दी थी, वैसे ही जमेश ई वॉल्टर ने भी एक रेलिवेंट थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट, डिविडेंड आर जो है हमारे वो रेलिवेंट होने चाहिए। अदर्स ओपिनियन दैट डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी, बट अकॉर्डिंग टू जमेश ई वॉल्टर जो डिविडेंड वैल्यू होती है वो आपकी कंपनी को इफेक्ट करती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेलिवेंट। सो बेसिकली द डिविडेंड पॉलिसी जो है आपकी वो अफेक्ट करती है द वैल्यू ऑफ अ फर्म, इट इज कंसीडर्ड एज रेलिवेंट। देन इसी से रिलेटेड एक और थ्योरी थी। अब जैसे आपने पहले बात की थी एमजे गॉर्डन की, जमेश ई वॉल्टर, उन दोनों ने हमें रेलिवेंट थ्योरी दी थी। अब एक है ई रेलिवेंट जो थ्योरी, वो दी थी हमें एमएम अप्रोच, जिनका नाम था मोडिग्लियानी एंड मिलर। इन्होंने ही एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं ई रेलिवेंट मॉडल। अभी तक किसने दी थी? दो हमें रेलिवेंट, एक तो गॉर्डन ने दी थी और एक जमेश ई वॉल्टर ने दी थी। ऐसे ही हमें ई रेलिवेंट थ्योरी किसने दी थी, दोनों याद रखनी है आपको कि रेलिवेंट थ्योरी किसने दी थी और ई रेलिवेंट थ्योरी किसने दी थी। तो अब यहाँ पे बात देखिए, जो एमएम थ्योरी है इसको आप एमएम थ्योरी भी बोलते हैं और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली एमएम थ्योरी, दैट इज मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। द थ्योरम वाज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट, उनका नाम था फ्रेंसो मोडिग्लियानी एंड मैटर्न मिलन इन 1958। इनका मेन आइडिया यही था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट नहीं करता ओवरऑल वैल्यू। So the Modigliani and Miller approach further state that the market value of a firm is affected by its operating income apart from the risk involved in the investment. The theory state that the value of the firm is not dependent on the choice of capital structure or financing decision of the firm.
इन्होंने एक इरेलीवेंट की कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो गॉर्डन थे उन्होंने बोला था कि इस चीज का फर्क पड़ता है कि आप कौन सी अर्निंग को यूज कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद है हमारी 13 थ्योरी, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, शॉर्ट फॉर्म इज कैपम, CAPM, आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये थ्योरी हमें दी है हैरी मार्कोविट्स ने। सो द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैप इज अ मॉडल यूज टू डिटरमाइन अ थ्योरेटिकल एप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन एसेट टू मेक डिसीजन अबाउट एडिंग एसेट्स टू अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो आपको याद रखना है कि CAPM थ्योरी किसने दी है हमें, हैरी मार्कोविट्स ने। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थ्योरी, दिस इज सेकेंड लास्ट थ्योरी, दैट इज XQ थ्योरी, XY थ्योरी। ये आपकी मैनेजमेंट की थ्योरी है, ये डेवलप बाय डॉगल्स MC ग्रोगर। सो थ्योरी X थोड़ी नेगेटिव है क्योंकि ये आपकी बहुत ज्यादा एक फिक्स एरिया में है, बहुत लिमिटेशन है इस थ्योरी में। बट जो थ्योरी Y है वो थोड़ी वास्ट हो गई थी एज कम्पेयर टू थ्योरी X। सो थ्योरी X बेसिकली कहती है कि ये काम को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वी डिसलाइक वर्क, ये बोर होते हैं जब वो काम करते हैं और अवॉइड करते हैं कि जितना हो सके। बट जो थ्योरी वाई है उनको काम की जरूरत है और वो काम करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है, बट उनकी कुछ कंडीशन हो, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो काम को एंजॉय करेंगे, अदरवाइज वो भी बोर होंगे और वो इग्नोर करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन, सो वी मस्ट बी फोर्स और कोर्स टू मेक द राइट एफर्ट। इनको थोड़ा फोर्सफुली मतलब नेगेटिव आपको मोटिवेशन यूज करनी पड़ेगी इन केस ऑफ थ्योरी X। बट थ्योरी Y में उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट सेट होना चाहिए, वो हम खुद ही डायरेक्ट करें तभी हम उसको अचीव करेंगे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो थ्योरी X में बेसिकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं थे, वो अवॉइड करते थे जितना हो सके। बट यहाँ पे थ्योरी Y में ये सीकिंग थे, मतलब ये एक्सेप्ट करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अंडर कंडीशन। अगेन यहाँ पे मतलब थ्योरी Y में कंडीशंस के बेसिस पे काम करना इनको रेडी है, बट यहाँ पे विद कंडीशन विदाउट कंडीशन थ्योरी X नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। देन मोटिवेशन, सो यहाँ पे बेसिकली मोटिवेटर होते थे थ्योरी X में ओनली फॉर मनी एंड जॉब सिक्योरिटी, अगर उनको डर है तो भी वो काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। मोटिवेशन इन XY थ्योरी में बेसिकली राइट कंडीशंस होनी चाहिए, अगर कंडीशन हमारी फुलफिल है तो वो मोटिवेट है। क्रिएटिविटी, जो हमारी X थ्योरी है यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं क्योंकि काम ही नहीं करते हैं, बट थ्योरी Y में वो कर सकते हैं क्रिएटिविटी बट अगेन अंडर कंडीशंस। लास्ट थ्योरी रिलेटेड टू थ्योरी Z, जैसे अभी आपने बात की कि थ्योरी X थ्योरी है और थ्योरी Y थ्योरी है, वो हमें किसने दी थी, जो उसकी अभी हमने बात की करंटली। बट इसके बाद एक थ्योरी और भी हमें आई थी, दैट इज थ्योरी Z डेवलप बाय विलियम ओची। सो जैसे थ्योरी X बहुत नेगेटिव थी, मतलब काम नहीं करते थे, जैसे आपको पता है डिसलाइक करते थे, अवॉइड करते थे, और थ्योरी Y में वो अपनी कंडीशन पे काम करते थे, बट थ्योरी Z ऐसा नहीं है। थ्योरी Z हम अब भी यूज करते हैं अपनी मैनेजमेंट में और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, ठीक है। इसमें इनका एटीट्यूड था बेसिकली अवॉइडिंग, बट थ्योरी Y में ये काम करते थे बट अंडर अगेन कंडीशंस, एंड थ्योरी Z में रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती थी। यहाँ पे एटीट्यूड टुवर्ड इनोवेशन था सिक्योरिटी होनी चाहिए, एम्बिशंस, और यहाँ पे इंडिविजुअल अगेन कंडीशंस के बेसिस पे, और यहाँ पे वो काम कर सकते हैं इजिली। मतलब ये वाली थ्योरी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव थ्योरी है थ्योरी Z, और थ्योरी X हमारी बहुत नेगेटिव है। तो थ्योरी X एंड Y MC ग्रोगर ने डेवलप की थी और थ्योरी Z हमें विलियम ओची ने दी थी। तो यही थी हमारी 15 बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन नेट एग्जाम। सो ऐसे ही मैं आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपके पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। थैंक यू सो मच फॉर ऑल मेंबर्स।